अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ के सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन पर बात करेंगे चैंपियंस कप 2024 में। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जो है वो वॉश आउट हो गया, उसके बाद जैसे बात करेंगे। नंबर टू पर बात करेंगे पीसीबी प्रेशर बना रहे आईसीसी पे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो जल्दी जारी करें, उसके वजह से भी बात करेंगे। नंबर तीन पर बात करेंगे इंग्लैंड पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है, इंग्लैंड के ट्रैवल प्लान को लेकर अपडेट आ रही है, उसके वजह से भी बात करेंगे। नंबर फोर पर बात करेंगे एक बड़े खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट से भी खुद को अलहदा कर लिया, उसके वजह से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बड़ी मज़ेदार ODI सीरीज चल रही है, उसके वजह से भी बात करेंगे। श्रीलंका न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जारी है, उसके वजह से भी बात करेंगे। और श्रीलंका वेस्ट इंडीज का जो टूर है वो उसका स्केड्यूल आ गया, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले पहली मरतबा आने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले बात करते हैं जी, आज फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में बारिश हुई, खूब तूफान आया। लाहौर में भी आज काफ़ी बारिश हुई है, पिंडी में भी काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज मालखोर और लाहौर लाइन्स का मुकाबला नहीं खेला गया। लाहौर लाइन्स जो है वो बगैर खेले ही शताब की टीम बाहर हो गई, लाइन्स की टीम। और जो रिजवान की टीम मालखोर है, क्योंकि उसने लीग स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस वजह से वो जो है वो पॉइंट टेबल की बुनियाद पर आगे थी, तो उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनफॉर्चुनेट है, हार्ट ब्रोकन है ये लाइन्स के लिए कि उन्होंने बगैर खेले ही खुद को आउट करवा लिया इस टूर्नामेंट से। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PCB चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। PCB ये चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो जल्दी जारी करे ICC, क्योंकि PCB ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को स्केड्यूल बना के ICC को ड्राफ्ट दे दिया हुआ है, और ICC ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को वो ड्राफ्ट भी शेयर कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ICC ने इसका स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। पहले ICC का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ICC ने कहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे, लेकिन अब ICC का कहना ही है कि जो वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होना है, उसके बाद उसके जो फिनाले होगा उसके बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस करेगा ICC। अब PCB के चेयरमैन और ICC के जो बनने वाले चेयरमैन हैं और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है जब वुमेंस का जो वर्ल्ड कप होगा उसका जो फाइनल होगा उसमें, और ये दोनों जो सरबरान हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे और वहाँ पे इनकी बैठक होगी, और उसमें फिर जो मामलात हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, हो सकता है कि इस हवाले से भी बात हो जाए, क्योंकि अभी तक BCCI की तरफ से भी खामोशी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी खामोशी है, और ICC भी कोई प्रेशर नहीं बना रहा इंडिया पे, बिल्कुल हर तरफ से खामोशी है, तो ये बड़ा नेगेटिव हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन अभी तक ऑब्जेक्शन किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्केड्यूल को लेकर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ड्राफ्ट दिया उसके ऊपर। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है इंग्लैंड टूर और पाकिस्तान के हवाले से। इंग्लैंड जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहा है टेस्ट सीरीज के लिए, तीन टेस्ट मैचेस के लिए, और 2 अक्टूबर को मुल्तान में लैंड कर रही है पाकिस्तान टीम। दोहा के जरिए जो है वो पाकिस्तान में आएगी, पहले इंग्लैंड से दोहा जाएगी इनकी फ्लाइट, फिर पाकिस्तान आएगी और प्रैक्टिस भी करेगी पाकिस्तान की टीम। बेस्ट शॉट्स की कप्तानी में 17 रुकनी स्क्वाड आया और 17 रुकनी ऑफिशियल भी आ रहे हैं इंग्लैंड से पाकिस्तान। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है जनाब DJ ब्रावो ने T20 क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। ऑल टाइम लेजेंड हैं ये T20 क्रिकेट के, हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर हैं ये T20 क्रिकेट में, और उन्होंने CPL से भी अब खुद को खैरबाद कह दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी खैरबाद कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फिटनेस ऐसी नहीं है कि मैं मज़ीद क्रिकेट खेलूँ। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच जारी है जी, और पहले ही दिन श्रीलंकन बल्लेबाजों ने 600 रन बोर्ड पर लगा दिए। जी हाँ, दोनों मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी की, एक ने किए 182, एक ने सेंचुरी लगाई, चंडीमल ने भी सेंचुरी लगाई, और एंजेलो मैथ्यूज के 88 रन आए और 22 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं न्यूजीलैंड के, और दूसरे दिन का अख्ताम हो गया।
इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की ओडीआई और टी20 सीरीज को लेकर, और तीन टी20 मैच जो है वो दुम्बुला होस्ट करेगा, वेस्ट इंडीज श्रीलंका का टूर करेगा और तीन ओडीआई मैच जो है वो कैंडी होस्ट करेगा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की सीरीज के। बात की जाए ओडीआई सीरीज की तो पहला ओडीआई 20 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, तीसरा ओडीआई 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। जब मैं हूँ सर मेरा फैन, अल्लाह हाफिज़।